हाय राजन, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और अभी कहाँ पर हो? घर पे? हाँ, घर पे हो? नहीं है, मैं एक्चुअली मैं सोचता था ऑडियो पे कॉल, तो मैं दोस्त हमारी तो पूजा चल रहा है। मैं आपको अभी कोई दिक्कत तो नहीं होगा वीडियो रिकॉर्डिंग में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा छिले हैं, ज्यादा ही छिले। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मतलब सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगा आपको कि आपने इसके लिए टाइम निकाला। और मैं अरे थैंक यू क्यों भैया? आप कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ वैसे तो दिल्ली से हूँ, मैं चंडीगढ़ में हाँ, रहता हूँ। मैं सोचा पहले चंडीगढ़ होके जाऊंगा, लेकिन उधर रास्ता ब्लॉक हो गया था, तो मैं ये जम्मू का रूट ले ली, नहीं तो मैं मनाली होके जाने वाला ओके, तो कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस, बताइए कि कैसे आपने प्लान था। किया ये? एक्सपीरियंस तो 62 डेज था, मतलब 62 दिन था, 62 दिन का 62 टाइप का एक्सपीरियंस था, मतलब 62 टाइप का एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने वहां पे जाने का प्लान कैसे किया, वो आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया? ऐसे ही आगे एक दिन कुछ करना था हमारे लोगों के लिए, तो सोचा मतलब एडवेंचर भी हो जाएगा और कुछ कर भी दूंगा, टाइम भी, वेकेशन चल रहा था, समर ब्रेक, तो सोचा ऐसे हो जाएगा। लिए आप क्या चीज करना चाहते थे वैसे? वो एक मोटो था, मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके लिए एक एनसीईआरटी चैप्टर। ओके, तो अब आप यहाँ से हाँ, जब आप गए तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस रस्ते में, जिसको आप समराइज बहुत अगर बढ़िया करना रहा, चाहो थोड़ा सा तो? तो था माउंटेन्स भी था, सब कुछ था, लोग अच्छे मिले, बुरे तो नहीं मिले, ये तो कह सकता हूँ, एक भी मेरे को बुरा बंदा नहीं मिला, सब बढ़िया बढ़िया मिले, एक से एक बढ़िया बंदा, सही है। हर हर एक मेरे को हेल्प करना चाहता था, मतलब कुछ भी करके हेल्प करना चाहता था, मतलब बोलते हैं ना, ओके, राइट मतलब लोग आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छा है, लेकिन राइट मैं इतना राइट। अच्छा नहीं हूँ मेरे को लगता है, फिर भी मेरे को लोग अच्छे मिले। नहीं, लेकिन आपकी बात करने के तरीके से सच में लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको पता नहीं कब से जानता हूँ। ओहो भैया, मेरे को भी लग रहा है आपको जानता हूँ मैं। राइट राइट। तो मेरे को एक चीज बताओ कि आप साइकिल पे गए, ठीक है, लेह लद्दाख गए, तो हाँ भैया, आपने सामान क्या क्या लिया, आपने किस तरीके से प्लान किया अपना सारा? मैं न्यूबी हूँ पूरा भैया, देखो मतलब मेरे को पहले से इतना कुछ नहीं आता, मैं सोचा एक साइकिल ले लिया 1 महीना पहले और चल दिया, रास्ते में मैं सीखा मेरे को ये दिक्कत हो रहा है, मैं ये दिक्कत हुआ मेरे को, ये सॉल्व किया, ये खरीदा चीज ऐसे क्या, पहले मैं एसेंशियल जो है वो ले लिया मैं पहले, जैसे साइकिल, मैं पहले वो साइकिल ठीक करने का सामान भी नहीं लिया था, ओके फिर धीरे धीरे मैं सिलीगुड़ी से ऐसे ऐसे करते करते बिहार से पटना से पंजाब से ऐसे ऐसे मैं लिया सामान, राइट राइट। तो मेरे पास था तो कुछ कपड़े थे, ज्यादा कपड़े ले लिया था मैं, मेरे को पता नहीं, मेरे पास 10 कपड़े थे घर पे, 5 ले लिया, फिर 5 से 3 घर पे बेच दिया बिहार के वैशाली में आके, 5 3 बेच दिया मैंने स्पीड पोस्ट से, जूता लिया था वो वाटर प्रूफ नहीं था वो भी बेच दिया, मतलब आप गलती से सीखते ना, मैं रास्ते में गलती कर करके सीखा, मेरे को ये चाहिए ये नहीं चाहिए ऐसा ऐसा सीखा। ओके, तो जैसे अगर अब मैं अगर अपना बताऊं एक्सपीरियंस, तो जी मैंने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया, जैसे मैं लेह लद्दाख गया हूँ, मैं बाइक से गया हूँ, बुलेट से गया था मैं, तो मैं मनाली से गया था, ठीक है, ओ आप गए हो राइट बढ़िया राइट, मैं गया हूँ, मतलब जगह तो बहुत ही अच्छा, अब दोबारा भी जाने की मेरी भैया, इच्छा है। एक एक बात, एक बात खटदुंगला मेरे को ना, खटदुंगला मेरे को पूरा जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि जाने के टाइम इतना सांस में दिक्कत हुआ, बहुत रास्ता मेरे को चल के जाना पड़ा, फिर आते टाइम साउथ कुल्लू में, साउथ कुल्लू तक ठीक है, साउथ कुल्लू बताया ना आपको, वो बेस कैंप है जिधर, हाँ जी, साउथ हाँ जी, हाँ जी, कुल्लू तक मैं ठीक रहा, खाना खाया उधर में, 3 किलोमीटर चला साउथ कुल्लू से, मेरा ब्रेक फेल हो गया, साउथ ओ कुल्लू में मेरा ब्रेक फेल हो गया, ओके, तो मैं पैर से रुका उसको, और 20 किलोमीटर में, 20 या 17 18 किलोमीटर में चल के उतरा, पूरा रात को 10 बजे मैं उतरा पूरा हाटडुंगला से, मेरे को हाटडुंगला पूरा रात याद रह गया, मतलब रात क्या वो रात में 10 बजे, मतलब 10 बजे उतरा, फिर 2 बजे तक पिया मैं, इतना टेंशन था, मतलब मैं तो लेके भी गया था ऊपर, मैं ऊपर लेके भी गया, तो बोला नहीं आपको अच्छा। बोल रहा हूँ, मैं ऊपर लेके भी गया आर्मी के, मैं एक दिन फंस गया था आर्मी रेस, रात को ना -6 हो गया था उधर, और मेरा मतलब जो स्लीपिंग बैग वो -5 तक मतलब रोक सकता है, इतना ठंड लग, ऐसा कांप रहा था मैं, क्या करूँ, एक छोटा हो गया पूरा, मैं लास्ट का दिन बस लिया, लेकिन ये तो रास्ते में नहीं करना, क्योंकि मैं सेलिब्रेशन के लिए लेके गया, एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि हमारे उधर और पास है, हमारे घर के पास में 2 3 पासेस है, बड़ा बड़ा माउंटेन है, खासी हिल्स, जांजिया हिल्स, आप देखना सर्च करके, मेघालय हिल्स, वो क्रॉस करने के लिए मतलब जब किया मैंने, वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया था थोड़ा थोड़ा, मेरे को बहुत दिक्कत, वो वही सबसे दिक्कत था मेरे लिए, मतलब क्या बोलू, शुरू किया नेक्स्ट दिन मिल गया मेरे को वो पासेस, मतलब आज शुरू किया कल मिल गया वो पास मेरे को, तो ओके, यही मतलब उधर एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। तो आप हाँ जब साइकिल चलाते थे तो आप रात को भी चलाते थे कि दिन दिन में चलाते थे और नहीं रात नहीं को नहीं आराम करते थे? अगर इमर अगर मैं फंस गया किसी जगह जिधर मेरे को कुछ नहीं स्टे एकोमोडेशन कुछ भी नहीं मिल रहा, अगर रास्ता होता है ना, आप क्राइम रेट देख सकते हो, मतलब जगह का क्राइम रेट कैसा, आप ऐसे ही सेंस कर सकते हो, मतलब ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, ये जगह अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो मैं 2 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे चला जाता, तो वैसे मैं नहीं चलाता था क्योंकि रिस्क होता है ना, उसे भी मेरे पास सब सामान था रात को चलाने के लिए, भी मैं अवॉइड करता था रात को। ओके, तो आप जब साइकिल चलाते थे तो आपके पास एक तो आपके कपड़े हो गए, ठीक है, एक आपके पास साइकिल का टूल किट हो गई साइकिल की, ठीक है, उसके बाद नहीं, साइकिलिंग आप कपड़ा मेरे पास नहीं था, साइकिलिंग का कपड़ा बहुत महंगा आता है, वो मेरे पास इतना पैसा नहीं था, हाँ टूल्स था मेरे पास, हाँ मैं खरीदा वो बाद में, राइट वो राइट, बहुत एसेंशियल है, वो चाहिए, वो टूल्स था, टूल्स में आपके पास क्या था? वो पंचर किट चाहिए आपको, पंप देने के लिए चाहिए बस इतना ही, एक एक्स्ट्रा ट्यूब्स चाहिए आपको बस इतना ही,
राइट इतना से हो जाता है। और ये तो मतलब जो माइनर आपका डिस्टर्बेंस आएगा, प्रॉब्लम है, वो आप इससे सॉल्व कर लो। मेजर आया तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, मतलब कोई दिक्कत। मेरे को मेजर इशू आया था मथुरा में। मथुरा में क्या हुआ, मथुरा से निकला मैं, मेरा गियर पूरा कैसेट के सामने होता है, मेरा नाम भूल गया, वो फटके पूरा सामने आ गया। तो मैं साइकिल हिल नहीं पा रहा था। मेरे को उधर एक बंदा ने बहुत हेल्प किया, कभी नहीं, आज मैं उसके बारे में सोच रहा था यार, कितना सही बंदा था यार, मतलब इतना हेल्प किया मेरे को ना। वो उसका ऑटो वाला था, बहुत बढ़िया था, क्या बताया भैया आपको। वो मेरे को उसके मतलब ऊपर लेके गया, बाद में बोला आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा दे सकते। मैं 100 दिया, उसने मेरे पास 50 का नोट था, वो आज से मेरे को 50 का नोट नहीं लिया, फिर 100 दे दिया, बोला आप कुछ खा लेना। अच्छा तो उसने आपका हेल्प सारा कुछ करवाया। हाँ हेल्प तो किया, मतलब एक गेस्चर होता है ना, मतलब ह्यूमिनिटी गेस्चर, मतलब दिखने को मिलता है, बट उसने उसके साथ उसके पास कुछ ज्यादा ही आ रहा था, वो गुड वाइब्स, मथुरा कृष्ण का शहर, मतलब है ना, लग रहा था मतलब ये हाँ हम मथुरा में है। आप जैसे यहाँ से साइकिल पे चले गए वहाँ पे, तो वहाँ साइकिल पे आपने, मेरे को मैं ये सबसे मेन ये चीज जानना चाहता हूँ कि साइकिल पे आपके पास मेन सामान था क्या क्या एक्चुअल में, क्योंकि अगर साइकिल के ऊपर तो सीन ही है ना कि छोटी से छोटी चीज भी भारी लगती चलाते थे। हाँ यही दिक्कत है, मेरे पास सोलर था, सोलर के चार्जर, सोलर एक पूरा सोलर, छोटा मोटा सोलर था, जो अगर मैं इमरजेंसी में फंस गया तो कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा ना, तो मैं उसको बहुत कम यूज किया, इतना ज्यादा यूज नहीं किया, बट एक मेरे लिए वो एसेंशियल था, मैं क्योंकि मुझे लगता है इंस्टिंक्ट लगता है अगर मैं फंस गया कहीं तो वो चाहिए, मतलब कॉल करने के लिए। राइट और दो पावर बैंक था मेरे पास। ओके एक गोगल था और खाने का सामान कुछ होता था और कपड़ा था। ओके और टॉवल वगैरह, तो वो बस इतना ही और कुछ नहीं था मेरे पास बस। ओके लेकिन वो ही बहुत सामान हो गया। और टेंट था एक मेरे पास, स्लीपिंग बैग था, वो ज्यादा मतलब ज्यादा एकोमोडेशन का चीजें थे, वो ज्यादा मतलब स्पेस ले रहा था। तो आपने पीछे साइकिल पे कैरियर भी लगाया था? हाँ वो एक्स्ट्रा 300 में लगा दिया एक्चुअली, उसको उसके लिए ना आपको अगर अच्छा प्रोफेशनली लगाओ तो आपको कम से कम 4-5 हज़ार खर्च हो जाएगा करियर उसके साथ बैग। मैं ऐसे ही चला गया और मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं आया बिना कैरियर के। मैं करियर लगा, करियर एक आता है करियर, प्रोफेशनल करियर एक आता है, मतलब आप अलग से लगाओ, एल्यूमिनियम का आता है, उसका दाम होता है 1,500-2,000 आ जाता है उसका बैग अलग से, 2-3 हज़ार का बैग, कम से कम आपको 5,000 जाएगा। मैं 300 में कर दिया। एक मेरे को अच्छा इंजीनियर मिल गया, मतलब ऐसे ही लोकल होते हैं ना साइकिलिंग शॉप, वो मिल गया मेरे को, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, लगा दिया उसको। सही बात है। तो आप वैसे अभी करते क्या हैं? मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ भैया। तो जैसे आपने हाथ में ग्लव्स पहने जो मैं आपके फोटो देख रहा हूँ, तो कुछ बेनिफिट होता है इसका? ग्लव्स छोटा होता है ना वो हैंडल, तो दिक्कत होता है। अब ज्यादा सरफेस एरिया होने से वो जो दर्द कम होता है थोड़ा, मतलब पेन रिलीफ हो जाता है, इतना ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। और उधर ठंडे में तो आपको चाहिए ग्लव्स, बड़ा बड़ा ग्लव्स चाहिए। ग्लव्स ठीक है, ग्लव्स और भी बढ़िया है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं एक से कम चला ली। मैं बहुत कम पैसे में किया। कितना अमाउंट आप पूछना मत, मतलब बहुत कम में किया। जब लेह लद्दाख पहुंचे तो मौसम कैसा था वहाँ पे? मतलब उधर विंटर आने वाला था, ऐसा था। मैं जब एंटर किया तब बर्फ गिरा मेरे को, मैं देखा, मतलब अब वीडियो देखना, मेरा ऑक्सीजन कम था ना, मेरा शायद 70% था, तो मैं सोच भी नहीं पा रहा था क्या सोच रहा हूँ, यार ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, और मैं कुछ सोच रहा था वो भूल गया मैं, ऐसा हो रहा था मेरे साथ मतलब। तो मैं देखा, एक वीडियो देखना मतलब क्या क्या बोल रहा था, जब खरीदूंगा मतलब 30 मीटर 40 मीटर था, मैं कुछ बोल रहा था, आप देखना वो, मतलब इतना भी नहीं, मेरे को डर लग गया कि अगर मैं सोचा यार अगर अभी बर्फ गिरा तो मैं रास्ते में पहुंचाऊंगा, मैं तो फ्रिक्ट आउट हो गया था। तो फिर देखा यार सामने मंजिल है, तो फ्रिक्ट आउट होना, और मतलब मजा आ गया था उस टाइम, मतलब ये सब वेलकम किया, मेरे को रास्ते में इतना बर्फ नहीं मिला, लेकिन उसी मोमेंट 30 मीटर पहले मेरे को बर्फ मिल गया, गिर रहा था थोड़ा थोड़ा, मजा आ गया। और इतना मैं सोचा था यार, मैं कभी बर्फ एक्सपीरियंस नहीं किया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, मतलब यार ऐसे होता है बर्फ, तो मजा आ गया था। सही बात है। और आपको मतलब रास्ते में लोग मिले तो कैसा लगा आपको उनसे एक्सपीरियंस करके? बहुत बढ़िया मिले, बहुत बढ़िया, मैं क्या बता, मैं पहले आसाम से निकला, आसाम से मैं गया मेघालय में, मेघालय पूरा शिलांग में, फिर से आसाम में घुसना होता है हमको, मेघालय क्रॉस करना होता है, उसके बाद हम आ जाएंगे फिर से आसाम, आसाम से वेस्ट बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख, फिर कर दूंगा। ओके आपने अपनी इस जर्नी से क्या सीखा? सीखा जर्नी करते रहे, खत्म नहीं होनी चाहिए जर्नी, मजा आया, फाइनल डेस्टिनेशन सही है, मतलब जो जर्नी है ना वो ही याद रहता है, जो डेस्टिनेशन वो तो एक जगह है बस, प्लेसेस है। और मैं एक सीखा, मतलब एक जगह का जो महत्व है, मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो लोग है, और जितना चाहो मतलब जितना ट्राई करें, मतलब ट्राई करना चाहिए कि हम लोकल के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा करें, क्योंकि एक जगह का इंपॉर्टेंस उसके लोग है, उसका लोग नहीं रहेंगे तो जगह का इंपॉर्टेंस नहीं रहे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब अलग फिलोसफी, अलग सोच, मतलब लोकल के साथ इंटरेक्शन करने से, मतलब
ठीक है प्लेसेस विजिट करना चाहिए एस्थेटिक के लिए, बट ये पार्ट होना चाहिए जिससे मतलब आप लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करो। जब आप इस टूर पे गए थे तो आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा इसमें जिससे आपने? नहीं बुरा नहीं, मेरे का एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे स्टेट में, वो ही एक बुरा एक्सपीरियंस। कामाख्या एक मंदिर है, सुना होगा आप, कामाख्या। तो उधर से उतरते वक्त मेरा ब्रेक फेल हो गया था, उधर से उतरते मेरा ब्रेक फेल हो गया, का ही पता है ना ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, उसमें स्लिप हो गया और 180 डिग्री टर्न, क्या हेयर पिन बैंड बोलते हैं ना, कर्व होता है ना 180 डिग्री कर्व डाउन आ जाता है डायरेक्ट, तो उससे कंट्रोल नहीं कर पाया और ब्रेक भी गया था पूरा, तो मैं उड़ के चला गया साइकिल पूरा, ऐसा हुआ मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, वो एक बुरा एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं 200 किलोमीटर एक हाथ से चलाया था और ब्लीडिंग भी हो रहा था, इतना पेन किलर लिया था, मैं दर्द समझ में नहीं आता, लेकिन उस तरफ मैं स्टेशन में आकर सोया था, रंगिया बोल के एक जगह उधर मैं स्टेशन में सोया था, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग गया था, मतलब मेरे को बस सोना है, सोने से शायद मेरा रिकवरी हो जाएगा, तो मेरे को वही चल रहा था, तो मैं साइकिल पार्क किया और मेरा सामान वामान हो गया था। एक स्टेशन मास्टर मिला मेरे को, बोला आप एक काम करो प्लेटफॉर्म टिकट कर लो और अंदर जाकर सो जाओ रेस्टरूम में, कोई कुछ बोला मेरे को आके, और रात में स्कूल पुलिस भी आया था, बोला आप क्यों इधर हो, बोला मेरे को कश्मीर जाना है, उनको लद्दाख तो पता नहीं होगा, तो मैंने कश्मीर जाना है मेरे को, वो सोची मैं कश्मीर का हूँ, तो मेरे को बोला ठीक है ठीक है इधर सो जाओ, दिक्कत हमको बोला, तो वो लोग पीछे लगे, मैं सुबह से उठा और निकल गया। नेक्स्ट दिन मैं आया ग्वालपारा बोल के, उधर मैं गुरुद्वारा में आकर उठा था, तो गुरुद्वारा में मेरे को उसी दिन लगा था मैं यार मैं जिंदा हूँ, मेरे को इतना मतलब लग रहा था, मतलब हाँ मैं हूँ एक्सपीरियंस हो रहा ना, हमको लगता है ना जब पेन होता है, हमको लगता है ना हमारा वजूद है कुछ है जब पेन होता है, मैं वो फाइटला में देखा था, तो मैं उसी दिन रियलाइज हुआ मतलब हाँ पेन होने से लगता है क्या, मतलब हमारा वजूद है हमारा प्रेजेंस है, बहुत सारा एक्सपीरियंस हमें लिख लेता अच्छा होता, वीडियो भी बनाता अच्छा, लेकिन मैं कुछ मुझे भूल भी गया, बहुत नया नया एक्सपीरियंस हो रहा था। हाँ एक्चुअली जब जब कुछ अच्छी चीज़ हो रही होती है ना अपने साथ में, तो हम उसको रिकॉर्ड करने के बजाय हम उसको फील करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ वही 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 मैं सोचा यार ब्लॉगिंग करने से शायद मेरा वो दिक्कत आ जाए, एक्स्ट्रा मतलब बर्डन आ जाएगा, तो मैं ब्लॉगिंग के बारे में सोच मैं वो क्या बोलते फेक मैकेनिस्टिक हो जाऊँगा, मतलब दिखाना शुरू कर देता मैं जो भी है जो चीज़ है नहीं मैं वो दिखाना लग जाऊँगा, मतलब हाँ ये नहीं हो रहा है फिर बोलूँगा ये मज़ा है बहुत अच्छा बहुत बढ़िया है, वही मैं इसलिए नहीं किया, मतलब मैं सोचा करना चाहिए मेरे लिए खुद के लिए करना चाहिए था मेरे लग रहा था, मतलब और किसी के लिए नहीं मैं खुद के लिए एटलीस्ट कर लेता मैं। तो वैसे आपका करियर प्लान्स क्या है? क्या वो तो मैं रोज बदलता रहता हूँ जैसा मेरा ये तो वो जो मैं प्लान करता हूँ वो होता नहीं है, जो नहीं करता वो हो जाता है। सच्ची बात है सच्ची बात है। मैं कुछ करने वाला था और कुछ हो गया, वो और कुछ करने वाला था और कुछ हो जाता है, तो ऐसे ही होता है, लेकिन मैं कुछ था है प्लान हो गया तो आपको बता दूंगा, लेकिन क्या पता नहीं हुआ। तो अब जैसे एक बात बताओ कि अगर मतलब कोई सपोज आप वहाँ आप खड़दुंगला जाके आए हो साइकिलिंग पे सिलचर से, ठीक है, तो अगर कोई आप कोई बंदा कोई यूजर है जैसे मैं हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को अगर आप अपनी कोई गाइडेंस देना चाहो तो आप किस क्या चीज़ बताना चाहोगे कि जिससे मतलब जो चीज़ मेरे को हेल्प करेगी इन फ्यूचर? एक बात बताता हूँ भैया, अब एक का बुक एक जो बुक होता है ना किताब, वो आपका कॉन्टेंट पर ही आपका बुक पूरा समझ में नहीं आएगा, पूरा बुक ही भरना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक मतलब एक लोग थे, उन्होंने दुनिया का जितना सक्सेसफुल लोग है मैं बता मतलब आपको समझ में आ जाएगा समराइज, उन्हें जितना सक्सेसफुल लोग है ऑल टाइम उनका जीवनी पढ़ के उनसे बात करके उनका मतलब बिजनेस में तो उनसे बात करके उन्होंने एक मतलब बुक लिखा था, तो उनको पूछा गया था जब बुक पब्लिश किया उनको इंटरव्यू गए, वो इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे मतलब आप इस बुक को समराइज करना चाहते हैं तो आपको मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे मतलब इस समराइज एक वर्ड में, तो उन्होंने बोला मतलब जो सक्सेसफुल है पहले से ही उनका मार्क फॉलो करो, एकदम जो किया उन्होंने वो कॉपी करो, वही एक मतलब इजीली मतलब रीच कर सकते हो सबसे, तो वैसे ही मतलब जो पहले कर लिया उनको पूरा फॉलो करने से हो जाता है, मेरे को ये लगता है मतलब यही, और मेरा गाइडेंस यही है जो मतलब जो और साइकिलिस्ट है उनको फोकस करने से हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे कुछ मतलब जो जो कुछ भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता, लाइफ इज मीनिंग लाइफ इज, आपको पता है आपकी एक फिलोसफी वो अच्छा मैं फिलोसफी बहुत पढ़ता हूँ मतलब नाइलिज्म फिलोसफी है वो पढ़ना, लाइफ इज मीनिंगलेस मतलब इस यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो पूरा यूनिवर्स है जो कुछ भी हम कर रहे हैं मीनिंगलेस है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसको मीनिंग दे देते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वही मीनिंगलेस है, ओके किसी चीज़ का मीनिंग नहीं है, तो जो करो वही मीनिंगफुल हमें लगता है बस, इसलिए है ना इतना स्ट्रिक्टली कुछ नहीं, ठीक है ना इतना मैं बहुत स्ट्रिक्ट मतलब था मतलब स्ट्रिक्ट रहता था सब कुछ स्ट्रिक्ट था, 16 घंटा पढ़ता था मैं, फिर मैं रियलाइज किया ये सब क्या मिला कॉलेज मिल गया करियर थोड़ा थोड़ा बहुत सेट हो गया, बट ये वर्थ इट था क्या मतलब ये सोचता मैं, इतना मैंने बचपन दे दिया पूरा इसमें क्या वर्थ इट था, मतलब मैं 16 से 21 का कैसे होगा मेरे को पता ही नहीं चला, 10th के बाद मैं कैसे डिग्री ग्रेजुएशन में आ गया मेरे को पता ही नहीं, बस पढ़ाई एंड ऑल स्टडीज बहुत स्ट्रिक्टली था, मतलब स्ट्रिक्ट बहुत मैं खुद से ऐसे नहीं फोर्स कर रहा था मैं खुद से ही था, मतलब तो ये ज्यादा गिल्ट आएगा मैं किसी ने नहीं किया मैं किसी के ऊपर
दोष भी नहीं दे सकता कि तुमने मेरे को जिंदगी खराब किया. जिंदगी खराब नहीं किया, अच्छे के लिए, बट वो मैंने खुद को रेस्ट्रिक्ट किया. मेरे को जिंदगी अच्छा करना था, लाइफ अच्छा करना था, कुछ करना था मेरे को. बहुत अच्छा, अच्छी चीज़ की आपने, बहुत अच्छा डिसीजन था आपका ये. तो अब आप ये बताओ कि आपके पास आपकी फोटोज और वीडियोज होंगी कोई? वैसे तो इंस्टा पे वही है बस. अच्छा, जो इंस्टा पे वही है. हाँ, वही मैं इतना ज्यादा खींचता नहीं, कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत खींच लेता हूँ. अच्छा बस इतना, और मैं चेक करूंगा खींचा क्या मैंने. मैं कोई होता, दोस्त होता तो खींच लेता, मजा आ जाता. नहीं है ना कोई, गया नहीं कोई. एक जाने वाला था लेकिन वो गया नहीं. वो अभी गया है तो कन्याकुमारी के लिए, और एक दोस्त मेरा साइकिल पे. हाँ वाओ, आज मतलब निकला है. अच्छा आज निकला है, कल निकला है, मतलब आज उधर से निकला, आज माउंटेन्स के लिए निकला है. वो जो मैं बोला मेघालय का माउंटेन, वो आज कल उसको मिलेगा वो माउंटेन्स. मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, देखता हूँ मतलब बॉस कैसा करता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है. मैं वेट कर रहा था, आज कॉल किया, बार बार कॉल कर रहा था. लेकिन वो आज मैं एक माउंटेन क्रॉस कर लिया था मैं, लेकिन आज वो क्रॉस नहीं कर, बारिश बहुत हो रहा था, रिस्की ना बहुत ज्यादा. तो वो गया नहीं नीचे, कल शायद वो एक क्रॉस करेगा शायद, मेरे को लग रहा है. लेकिन उधर एक रिस्क है, इधर इधर का माउंटेन्स में क्या रिस्क पता है? इधर बहुत कम लोग नहीं है, इधर बहुत कम लोग है. और इधर जंगल एरिया ना, जानवर का बहुत दिक्कत होता है आपको, लियोपार्ड भालू ये सब मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारा. मेघालय के साइड? हाँ मेघालय के साइड, उधर फॉरेस्ट एरिया ना, पूरा फॉरेस्ट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्रॉस करके जाना है, मिडिल से जाता है. एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो उसकी मिडिल से जाता है. वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जंगल है ना, माउंटेन भी है, जंगल भी है, एक साथ है. एक उधर जाने से वो तो सब बंजर है ना, पूरा डेजर्ट एरिया. ये माउंटेन से और साथ में फॉरेस्ट, तो उनको तो दिन में ही क्रॉस करना पड़ता होगा ना. हाँ रात को नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रात को तो नहीं, मतलब नेवर, नो, तीन बार नो, एक तो इतना रिस्क होता है वो सर, तो आपका खतरा रहता है, बहुत ज्यादा रिस्की है. लेकिन बहुत सुंदर है, हेवन है पूरा. लद्दाख सुंदर है ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आओगे, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में जाने है, उस जगह में जाने, आपको दिखेगा मतलब है, आपसे बातें कर रहा है. लद्दाख जाओगे ठीक है, सही में जानवर आ गया, तो वो भी जानवर है, जानवर है. फाइनली मैं साइकिल